बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। आज हम कुछ नई जॉब्स के मुतालिक बात करने वाले हैं और जॉब्स की डिटेल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के OG2 के मुतालिक है। तो आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपने MBA या ACCA या मैथमेटिक्स में मास्टर्स किया हुआ है तो इस तरह के रेलिवेंट आपकी एजुकेशन अगर है तो आपके लिए ये ट्यूटोरियल ठीक है। अदरवाइज़ आप अपना टाइम वेस्ट ना करें अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन स्टडीज़ में जैसे MA पाक स्टडी MA फलां फलां किया हुआ है तो आपके लिए जॉब नहीं है। तो आगे चल के डिटेल बताएंगे कि कौन कौन सी डिग्रीज़ इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है बताता चलूँ कि 8 मई इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो अब टाइम शॉर्ट है, जिसने अप्लाई करना है वो कर ले क्योंकि काफ़ी अर्ली आई थी ये एड और उसकी डेट एक्सटेंड होती गई। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जॉब NTS के थ्रू होगी और ऑनलाइन अप्लाई ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कीम SBOTS लेटेस्ट एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे ही स्टार्ट में आपको सबसे पहले इसकी इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि इसकी जो कैश सैलरी है वो 82,000 है, बाकी सहूलियात अलग से हैं। तो ये अट्रैक्टिव है सैलरी के हिसाब से। और ड्रॉबैक भी यहाँ पे बताता चलूँ कि ये कराची बेस्ड जॉब होगी क्योंकि हेड ऑफिस जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है तो उसी की आई थिंक ये जॉब है और कराची बेस्ड जॉब्स हैं। तो ये इसकी कुछ टेक्स्ट है, ये आप पढ़ लें, रेलिवेंट इतना ज़्यादा नहीं है। 24th बैच है इसका, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये जो बात है। तो OG2 है इस पोस्ट का नाम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इम्पॉर्टेंट है जिसको आप देख के अप्लाई करेंगे। मास्टर्स और बैचलर डिग्री विद 16 ईयर, यानी कि BBA या BS हो तो 16 ईयर एजुकेशन आपकी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और 60% मार्क्स होने चाहिए अगर परसेंटेज में, और CGPA की बात करें तो 2.5 आउट ऑफ 4 होना चाहिए, और अगर 5 है CGPA तो 3.5 होना चाहिए। तो HEC से रिकग्नाइज होने चाहिए। कौन कौन सी डिग्रीज हैं? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन MPA वाले, इकोनॉमिक्स वाले, कॉमर्स यानी कि BCOM वगैरह जिसने किया हुआ, फाइनेंस या अकाउंटिंग में, इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी यानी कि MIT वगैरह या MCS किया हुआ किसी ने, मैथमेटिक्स में मास्टर है या ह्यूमन रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर में है। तो फॉरेन डिग्री जो है वो HEC से इक्विवेलेंट होनी चाहिए तभी वो एलिजिबल हो सकते हैं अप्लाई करने की। तो एज मैक्सिमम 26 ईयर्स है। एज़ ऑन डेडलाइन ऑफ एप्लीकेशन एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेबल बाई 3 ईयर्स, 3 साल उसमें रिलैक्सेशन हो सकती है। किन कैंडिडेट्स के लिए? जो फाटा के लोग हैं, नादरन, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर। और 5 साल की रिलैक्सेशन जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो एम्प्लॉज़ हैं जो ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो सब्सिडीज यानी कि सेंट्रल नेशनल बैंक के जो एम्प्लॉज़ हैं वो भी रिलैक्सेशन के एलिजिबल हैं। एप्लीकेशन और टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या है? इंटरेस्टेड पाकिस्तानी एजे के नेशनल्स मीटिंग अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर रिक्वायर्ड टू लॉग on NTS website and follow the procedure for submission of online application form. Age will be considered as per CNIC के हिसाब से। Application devoid of the required information and details like photograph, date of birth, experience, qualification, date of or any other important information will not be shortlisted. Printable copy of application form along with copy of the department is required to be posted to Joint Directorate Resource Management Human Resource Department State Bank of Pakistan I Chandigarh Road Karachi। तो ये आपको हार्ड कापी भी भेजनी पड़ेगी। लास्ट डेट अप्लाई करने की पहले 24th मार्च थी, अब 8 मई लास्ट डेट है, ये चेंज हो गई थी। अब आपने 8 मई कंसीडर करते हुए अप्लाई करना है। एप्लीकेशन सबमिटेड इन पर्सन और थ्रू ईमेल विल नॉट बी इंटरटेन्ड। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी सेंट एडमिट कार्ड बाय NTS एट देयर पोस्टल एड्रेस टू अपीयर इन द रिटर्न टेस्ट टू बी हेल्ड एट डेजिग्नेटेड सेंटर्स। SBP NTS विल अपलोड द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑन देयर रेस्पेक्टिव वेबसाइट। तो आपने अप्लाई कर देना है
जब आप टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको NTS एक स्लिप भेजेगा या थ्रू SMS आपको बताया जाएगा। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा? द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट एंड मीटिंग अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी इन्वाइटेड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर्स अलॉन्ग विद अटेस्टेड कापीज ऑफ द एजुकेशनल प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट HEC से जो लिया गया होगा, ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप, फीस की जो होगी डिपॉजिट डोमिसाइल CNIC और 3 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज आपको दरकार होंगे जब आप रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे। प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट इफ़ एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन इट इज़ प्रूव दैट यू डू नॉट मीट द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर एडवर्टीजमेंट योर कैंडिडेचर फॉर द पोजिशन विल बी विदड्रॉन कैंसल्ड इमीडिएटली सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट सब्जेक्ट टू द ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रिंसिपल रीजनल कोटा प्रोविजन एज प्रिस्क्राइब बाई द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो कोटा वाइज सिलेक्शन होगी। तो प्री इंडक्शन ट्रेनिंग भी कुछ होगी जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। ट्रेनिंग किस तरह की होगी? आफ्टर कम्प्लीटिंग ऑल दी प्री इंडक्शन फॉर्मेलिटीज इंक्लूडिंग मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो अप्लाइड फोकस्ड थ्योरेटिकल ट्रेनिंग रेजिडेंशियल एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस NIBF इस्लामाबाद में इनकी ट्रेनिंग होगी। कंपनसेशन पैकेज क्या होगा? मोनिटाइज सैलरी ऑफ 82,000 पर मंथ एंड अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स इन सैलरी स्केल ऑफ ऑफिसर ग्रेड 2 एज पर बैंक रूल्स। मेडिकल फैसिलिटी होगी एज पर बैंक रूल्स। स्टाफ लोन्स एंड अदर बेनिफिट्स एंड अलाउंसेज एज एडमिसिबल अंडर न्यू कंपनसेशन बेनिफिट स्ट्रक्चर एज पर बैंक रूल उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो कम अज़ कम एक सैलरी की तनख्वाह होगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी अप्लायर एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अप्लाई। तो फीमेल्स को आई थिंक सो के प्रेफरेंस दी जाएगी। मिस इन्फॉर्मेशन एंड एनी अटैम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिडर्ड ए डेफिनेट डिसक्वालिफिकेशन एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसेस फॉर करंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर रिक्रूटमेंट इन द बैंक इवन इफ द कैंडिडेट इज अदरवाइज क्वालिफाइड। तो हम ऑनलाइन तैयारी इसकी प्रोवाइड कर रहे हैं। सेशन हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं। एक अच्छी जॉब है जो आपको कराची बेस्ड सूट करती हो, तो सिंध के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये ज़्यादा फेवरेट है। और जो दूसरे लोग हैं, अगर कोई अपने आउट ऑफ सिटी रहना चाहता है, घर से बाहर रह सकता है, तो उसके लिए कराची तो आपको पता ही है जैसा सिटी है। नो डाउट हालात कुछ अप्स एंड डाउन होते हैं, लेकिन अच्छा सिटी है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं। ऑनलाइन तैयारी हम ऑनलाइन ही प्रोवाइड करेंगे, कहीं फिज़िकल सेशन नहीं होगा, बल्कि आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेंगे रेलेवेंट सिलेबस से, तो आपको तैयारी होगी इंशाल्लाह। साइकोलॉजिकल जो टेस्ट का पैटर्न होगा वो भी गाइडलाइन हम इसी टेस्ट में आपको मुहैया करेंगे। खुदा हाफिज़।